गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन अपना डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का टॉपिक बार ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में स्ट्रेसेस इन बार्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन। तो इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था कि जो बार ऑफ होमोजीनियस सेक्शन थे और उनकी एरिया भी सेम था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम थी, तो उसके लिए अपन ने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब इसमें अपन देखेंगे कि बाहर बार्स जो है अलग अलग इनका सेक्शन है, अलग अलग एरिया है। तो ये एक बार आपको दिख रही है, इसके अंदर आपकी लेंथ है L1, L2, L3। इस पे फोर्स लग रहा है P और इसका एरिया A1 है, A2 है, A3 है। तो ABCD आपकी ये बार है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो भी अलग है, ए बी का अलग है, बी सी का अलग है। तो इस केस में अपन कैसे सॉल्व करेंगे? इन सच केसेस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड हेंस चेंज इन लेंथ फॉर ईच सेक्शन इज वर्कआउट सेपरेटली एज यूजुअल। द टोटल चेंजेस इन लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंजेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेंथ। तो जैसे अपन ने पहले किया था कि हर एक इंडिविजुअल का अपन को निकालना है चेंज इन लेंथ, और फिर अपन को उसमें टोटल लेंथ चेंज इन लेंथ में ए बी का, बी सी का और सी डी का प्लस करना है। तो इसका मतलब DEL L1, DEL L2, DEL L3 फाइंड आउट करके ऐड कर देना है, तो अपन को टोटल चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। तो DEL L1 अपना होता था P1 L1 अपॉन A1 E1, DEL L2 होता था P1 L2 अपॉन A2 E2, और DEL3 होता था P3 A3 अपॉन A3 LE3। यहाँ पे P आपका है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, E आपकी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द बॉडी, L1 है लेंथ ऑफ सेक्शन 1, A1 है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन 1, L2 A2 है आपकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू टू सेक्शन 2 एंड सो ऑन। तो ये सारी अपन को डेटाज हैं। इसके बाद वी नो दैट चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन 1 P L1 A1 E, सिमिलरली DEL L2 P L2 A2 E। तो अपन तीनों बार्स का टोटल अपन जो है निकाल लेंगे चेंज इन लेंथ, DEL L1 प्लस DEL L2 प्लस DEL L3। तो इसको अपन ड्राइव कर लेते हैं P L1 A1 E प्लस P L2 A2 E प्लस P L3 A3 E। तो ये हो गया आपका P अपॉन E L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इसके लिए अगर आपका एरिया अलग हो। तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। एन ऑटोमोबाइल कंपोनेंट शोन इन फिगर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन। डिटरमाइन द टोटल इलांगेशन ऑफ कंपोनेंट इफ इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 200 GPa। ठीक है, ये आपको एक कंपोनेंट दिया हुआ है बार, इस पे आपका फोर्स लग रहा है 160 किलो न्यूटन का। तो इसके लिए आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी है 200 GPa, फोर्स दिया है 160 किलो न्यूटन। तो इसमें एरिया आपकी A1 50 mm² है, A2 100 mm² है, L1 आपकी 90 mm है और L2 120 mm है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और चेंज इन लेंथ निकालनी है। इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या क्या गिवन है। टेंसाइल लोड दिया हुआ है 160 किलो न्यूटन का, लेंथ ऑफ सेक्शन दी है 90 mm, लेंथ ऑफ सेक्शन टू L2 दी है 120 mm, एरिया ऑफ सेक्शन A1 दिया हुआ है 50 mm², एरिया ऑफ सेक्शन टू A2 दिया हुआ है 100 mm².
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई 200 GPM, तो ये हो जाएगी 200 × 10³ न्यूटन पर mm². तो वी नो दैट टोटल इलांगेशन ऑफ द कंपोनेंट डेल एल इक्वल टू पी अपॉन ई L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2। तो इसमें सारी वैल्यूज अपन पुट कर देंगे, पर ये ध्यान रहे कि अपन को सारी वैल्यूज जो है न्यूटन और एमएम के अंदर पुट करनी है, ताकि अपना आंसर एमएम के अंदर आए चेंज इन लेंथ का। तो यहाँ पे सब कन्वर्ट कर लिया अपन ने, तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इधर। 160 आपका लोड था तो न्यूटन में बदल दिया, 160 × 10³। ई आपका 200 GPa था तो 200 × 10³ न्यूटन पर mm² हो जाएगा। L1 आपकी 90 है, A1 50, L2 120 और A2 100। तो सबको सॉल्व करेंगे तो यू गेट द आंसर 2.4 mm। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। A member formed by connecting a steel bar to an aluminium bar is shown in figure. Assuming that the bar are prevented from buckling sidewise, calculate the magnitude of force P that will cause the total length of the member to decrease by 0.25 mm. The value of elastic modulus for steel and aluminium are 210 GPa. 70 GPa रेस्पेक्टिवली। तो ये अब इस वाले जो बार में आपको क्या है, दोनों अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। ये ए बी आपका स्टील का बना हुआ है और बी सी आपका एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो ए बी की आपकी लेंथ है 300, बी सी की आपकी 380 mm। तो आपको क्या क्या गिवन है, अब इसमें कह रहा है कि आपको फोर्स निकालना है इसके अंदर। इसकी जो चेंज इन लेंथ है वो डिक्रीज हुई है 0.25 mm से, तो डेल एल की वैल्यू आपको दी हुई है 0.25 mm। तो आपको डेल एल दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, L1 L2 दिए हुए हैं और A1 A2 दिए हुए हैं। तो आपको पी निकालना है, तो सेम फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, बस उसमें अपन को पी फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले गिवन आपको क्या क्या है, डिक्रीज इन लेंथ दिया हुआ है, डेल एल 0.25 mm, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील ई एस दिया हुआ है 210 GPa, ये हो जाएगा 210 × 10³ न्यूटन पर mm². मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम दिया हुआ है 70 GPa, ये हो जाएगा 70 × 10³ न्यूटन पर mm². एरिया ऑफ स्टील सेक्शन आपको दिया हुआ है यस 50 × 50, तो ये हो जाएगा 2500 mm². एरिया ऑफ एल्यूमिनियम सेक्शन दिया हुआ है ए 100 × 100, ये हो जाएगा 10000 mm². लेंथ ऑफ स्टील सेक्शन दी हुई है आपको 300 mm, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम सेक्शन दी हुई है आपको 380 mm, और पी आपका है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन किलोन्यूटन। तो वी नो दैट डिक्रीज इन लेंथ ऑफ मेंबर डेल एल इक्वल टू, डेल एल का फॉर्मूला आपका ये होता है, तो डेल एल इक्वल टू पी एल एस ए एस ई एस प्लस एल ए ई ए। तो ये आपने सबकी वैल्यूज पुट करनी है। अब आपका डेल एल 0.25 है, एल एस आपकी 300, ए एस आपका 2500 है, ई एस आपका 210 × 10³, फिर आपको ये एल ए आपका 380 है, ए आपका 1000 है, ई ए आपका 70 × 10³। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे
इसको आप सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट पी 780 पी अपॉन 710 की पावर 6। तो पी आपका हो जाएगा 0.25 × 710 की पावर 6 अपॉन 780। तो इसको सॉल्व करने पर वी विल गेट द फोर्स 224.4 किलो न्यूटन। तो दिस इज योर आंसर 224.4 किलो। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, बार ऑफ डिफरेंट सेक्शन, बार ऑफ होमोजेनियस सेक्शन, ये दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स अपन ने देख लिए इसमें। तो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट पार्ट ऑफ व्यू से, इसको आपको ट्यूटोरियल में करना है, तो इसको भी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, डिटरमाइन द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ बार, टेक ई इक्वल टू 200 GPa। अ कॉपर रॉड ABCD ऑफ 800 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 7.5 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू फोर्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये आपकी ABCD बार है, इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 800 mm स्क्वायर और इसकी लेंथ आपको दी हुई है अलग अलग, AB की अलग, BC की अलग, जैसा कि फिगर में शो हो रही है। फोर्स आपका AB पे 40 किलो न्यूटन लग रहा है और BC पे आपका 30 और 20, CD पे आपका 20 और 50, और लेंथ आपको अलग अलग दी हुई है 3.5 मीटर, 1.5 मीटर और 2.5 मीटर। इसकी आपको टोटल इलांगेशन निकालनी है, आपको ई दिया हुआ है 100 GPa। तो इसको आपको उसी तरह से करना है, सबसे पहले गिवन आपको लिखने हैं, फिर आपको हर एक सेक्शन के लिए फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले AB के लिए करेंगे, तो AB के लिए फाइंड आउट कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस करने हैं सारे फोर्सेस। तो लेफ्ट में आपके 40 किलो न्यूटन है और राइट में आप देखिए सेम साइन वालों को ऐड करेंगे तो 50 + 20 = 70, और 30 का अलग साइन है तो माइनस करेंगे तो 70 - 30 = 40 किलो न्यूटन। AB पे आपका फोर्स आ गया 40 किलो न्यूटन। इसी तरह से BC के लिए करेंगे, BC पे आप लेफ्ट में देखिए सेम साइन वालों को ऐड कर दीजिए तो 40 + 30 = 70 किलो न्यूटन, और CD पे आप देखिए 70 किलो न्यूटन, तो BC पे आपका फोर्स हो गया 70 किलो न्यूटन। इसी तरह से आप CD के लिए देखिए, तो CD पे आपका फोर्स है 50 किलो न्यूटन राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो आपका 40 + 30 = 70 किलो न्यूटन - 20, तो ये आपका हो गया 50 किलो न्यूटन। तो आपका AB पे 40 किलो न्यूटन फोर्स आ गया, BC पे आपका 70 किलो न्यूटन आ गया, CD पे आपका 50 किलो न्यूटन आ गया। तो अपना फॉर्मूला क्या है इसके लिए, टोटल चेंज इन लेंथ जो है इक्वल टू P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। तो इसमें आपका A कॉमन है 800 mm स्क्वायर, EB आपका कॉमन है 100 GPa, तो 100 × 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो आपको बस P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3 की वैल्यू पुट करनी है अपॉन AE करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है, अ स्टील बार ऑफ 600 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैरिंग लोड एज शोन इन फिगर। तो आपको ये ABCD बार दिया हुआ है, इस पर भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं, लेंथ दी हुई है आपको, तो डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ बार, टेक ई फॉर स्टील एज 200 GPa, और ई की वैल्यू भी दी हुई है, एरिया की वैल्यू भी दी हुई है। तो सेम
इसी तरह से ये सॉल्व होगा जैसे पहले वाला था। तो थैंक यू।